और हिंदुस्तान की भारत की पार्लियामेंट में कितने मुस्लिम एमपी जीत कर आए। आबादी के लिहाज से कम 55 से 60 जीत के आना, आपको मालूम कितने जीत के आए, 23। और वो 23 में से 21 ऐसे जहां से 30% वोटर लिस्ट में मुस्लिम अखिलियत का नाम। तो ये पॉलिटिकल पार्टियों की कोई कामयाबी नहीं है। आखिर इतने कम क्यों जीत रहे, इसकी वजह क्या है? मैं हूं इसकी वजह, यानी हर चीज मेरे गले में ला के डाल दो। मैं महाराष्ट्र का इलेक्शन लड़ा तो कांग्रेस के लोग बोलते थे कि ओवैसी को वोट मत दो, बीजेपी शिवसेना को हराना है। इलेक्शन हो गया तो जैसा इलेक्शन हुआ कांग्रेस वाले जाकर इंडियन पॉलिटिकल मैरिज एक्ट के तहत शिवसेना से शादी कर लिए। एनसीपी शरद पवार साहिब इंडियन पॉलिटिकल मैरिज एक्ट के तहत चौथी कर लिए और मिल लिए शिवसेना से। पूरा इलेक्शन तमाम बोलते गए हर जगह पे, जहां जाते थे ओवैसी को वोट मत डालो, मगर आप शिवसेना से जाके ये बंधन टूटे ना बोल के बांध लिए। उसकी कोई फिक्र नहीं है आपको। वो शिवसेना जिसके ताल्लुक से श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में जस्टिस श्री कृष्णा ने लिखा कि बाल ठाकरे बंबई के फसादात में एक जर्नल का रोल अदा कर रहे हैं, आप जाकर उनसे इत्तेहाद कर लिए। हमारे 2 MLA जीते वहां से। फिर हरियाणा में मिला, हरियाणा बीजेपी जीत गई। झारखंड में लड़ा, 11 असेंबली की सीट पर 12,000 से लेकर 29,000 तक वोट मिले मजलिस को, मगर फिर भी आप वहां पर बीजेपी नहीं बनाई। आखिर ये पूरे मुल्क में मजलिस के ताल्लुक से लोगों में और खास तौर से बुजुर्गों में, हमारी इज्जतदार मां और बहनों में और बिलखुसूस नौजवानों में ये लगाव, ये मोहब्बत क्यों पैदा हो रही है? इसलिए पैदा हो रही है कि तमाम लोग ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से, इनकी मुनाफिकत से, इनकी दुगली पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं, क्योंकि बोलते करते इनकी जबान पर सेकुलरिज्म होता मगर अंदर से इनका दिल धड़कता आरएसएस के लिए। ये रमजान में आके तो रोजा खोल लेंगे हमारे साथ बैठकर, रोजा तो हम रहे थे, खजूर भी हमारा खा लेते मगर गुडली हमको नहीं देते। शादी खाना देखो 30 साल से बन रहा, मस्जिद के सामने नाला गंदगी भरी, मगर उसके बावजूद भी अरे अरे कहां भाई साहब मौलाना किधर है, सब बोलेंगे। मगर यही चीज है जो आज की नस्ल का नौजवान इन चीजों को महसूस करके बोल रहा कि बहुत हो गया इनके ड्रामाबाजी। इसीलिए हर जगह मजलिस के ताल्लुक से जुनून है लोगों में।